myself Dr. Jitendra Kumar, and today I am going to teach you electrolytic cleavage of covalent bonds and the resultant formation of intermediates, their stability. So suppose this molecule, अभी यहाँ पे दो सेम एटम है जिनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो मोस्टली फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स जब बनता है तो हम इस बॉन्ड फ्यूजन को होमोलिसिस कहते हैं या होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। हम आज बात करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज की। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो दोनों एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे दो एटम डिफरेंट हैं, अगर ये एटम डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, या तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है या बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है। नाउ सपोज ए इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव ये जनरेट होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड अभी इलेक्ट्रोलिटिकली क्लीव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं रह जाएगा, ए डिफिशियंट हो जाएगा और बी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच जाएंगे, तो एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। जब भी क्लीवेज इस तरीके से होगी तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में इन इस तरीके की क्लीवेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम कोई ऑर्गेनिक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हैलो कंपाउंड है, हमको पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसका मतलब जब भी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा देन कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम इसको इस स्पीसीज को कहेंगे कार्बो कैटायन। सपोज इन सम वे इफ इट इज अटैच्ड विद मेटल, तब क्या होता है कि ये कार्बन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा और उस टाइम इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और तब हम इसको कहेंगे कार्बेनायन। अब आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन और कार्बेनायन यही सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसलिए आपको इनकी स्टेबिलिटी और इनका स्ट्रक्चर के बारे में जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर देखें तो हमको पता है कि अगर कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल मींस हुआ कि इस तरीके की कुछ स्पीसीज बनेगी यहाँ पे चार ग्रुप लगे रहते हैं। अब यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, सिर्फ तीन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से एक पी ऑर्बिटल में, और आपके जो तीन ग्रुप लगे हुए हैं वो इस तरीके से लग जाएंगे, तो जो इसका सेप आएगा इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसका सेप होगा वो प्लेनर होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। तो कार्बोकैटायन